तो ये है, तो जैसे कि आप सुन गए हैं कि यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है, तो यही यहाँ जो ग्राउंड है इस पे मेला लगेगा। मतलब ये गेम यहाँ पे होती है, इस ग्राउंड पे होती है, कुश्ती बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग टाइप की होती है। सिंध की नेशनल, पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध की नेशनल गेम होती है। थोड़ी देर ये स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई, जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको दिखा दूँगा। चलते हैं आपको खाने की चीज़ें। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पापड़ चाट। अभी रश, अभी आज पहला दिन है तो रश कम है, जैसे तो 3 दिन चलेगा सेकंड डे पे रश ज़्यादा होती है। जूस भी है, मतलब जो गर्मी वगैरह का हिसाब से। ये बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, मतलब जो भी बच्चा यहाँ पे आए तो खेल सकता है। आने कर ये बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, और सामने जो है डांस वगैरह जो है, ठीक है, आस्ते स्लो स्लो आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। ये झूले, ये बचपन में इस पर जैसे आप भी चढ़ते होंगे। तो ये बाजार लगा हुआ है, अभी तक ये मुकम्मल पूरा नहीं लगा, शायद आज बारिश की वजह, मौसम सही नहीं, इस वजह से बाजार नहीं लग सका उनका। तो देख, ये बाजार यहाँ पे लगता है, मेले दिखाता हूँ मैं आपको। फिलहाल यहाँ पे पकौड़े समोसे हुए हैं और बच्चों के खिलौने की चीज़ लगी हुई है, मिठाई वगैरह अभी तक नहीं लगी। तो मैं भी यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ लूँगा। ये बच्चों की चीज़ें लेना, ये सारा खिलौने लगे हुए बाजार में। मैं आपको पास से बता दूँ, जैसे कि देखो यहाँ सामने आज बारिश की वजह से, अभी मौसम जो है ना वो बारिश वाला, इस वजह से ये सारा जो है ना ये अभी नहीं हुआ है, तो ये कल तक बन जाएगा। कर इंशाल्लाह एक और वीडियो आई। और ये सामने देख रहे हैं ये दरगाह की लंगर के लिए, अभी इन्होंने ताज़ा एक कैमल कटा हुआ है। तो यहाँ पे वैसे भी लंगर चलता है, लेकिन ये 3 दिन 24 घंटे लंगर चलता है, कोई भी आके, मतलब जो भी यहाँ पे घूमने आते हैं वो खा के जाते हैं। जैसे कि मैंने कल दिखाया था आपको कि ये